समीकरण। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आइए आज देखते हैं एक चर वाले समीकरण, देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आप एक नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है? 3 ब्रैकेट -3 = 15। इसको कैसे बनाए? तो सबसे पहले हम इसमें सबसे गुणा करना पड़ेगा, तो इसमें गुणा करते हैं 3x - 9 = 15। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये माइनस, और हम लोग को इसको एक साइड इधर भेजना होगा, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो 3x = 15। इसको माइनस में तो इधर जाएगा तो कितना प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को अब इसको भेजना पड़ेगा, तो ये क्या है, गुणा में है, तो इसको हम उधर भेजेंगे तो किस में चल जाएगा, इसके बाद हम लोग इसमें गुणा कर देंगे। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ने के बाद कितना है, 14 आ रहा है। उसके बाद हम लोग को इसको अब 3 को अभी इधर भेजना पड़ेगा, ये गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3x = 14। अब इसको हम काटा, इसको हम लोग काट देते हैं, जैसे 3 × 8 = 24, 8 मार्च में, क्योंकि x का मान 8 आ रहा है आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे बन रहा है। अब दो नंबर को हम इसको उतार देते हैं, दो नंबर देखते हैं कैसे बनता है, x + 2 - 7 = 15। इसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसको हम उधर भेज देते हैं, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं, क्या करेंगे, 2x = 2, अभी माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो गया। उसके बाद क्या होगा, प्लस में इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हुआ। उसके बाद इसको हम उधर भेजेंगे, ये भाग में तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, उधर जाएगा तो गुणा में। अब गुणा में हो गया तो क्या होगा, x का मान क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करने पर क्या आएगा, 24 आएगा, आपका यही आंसर हो गया, ये दोनों बन गया। उसके बाद 3 नंबर कहाँ बनेगा, तो 3 नंबर हम इसी को इरेज करके बना देते हैं, इसी को इरेज करके हम 3 नंबर बनाते हैं, 3 नंबर इसी क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, पहले हमको इस इधर भेजना पड़ेगा, तो -2x = 8। अब इसको इधर भी तो माइनस में हो गया। अब उसको घटाएंगे, तो 6 बचा, 6 बचा, तो अब हमको इसको उधर भेजना पड़ेगा, इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 2x = 2, इसको कितना भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में चल जाएगा, इधर गया गुणा में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद इन दोनों को गुणा कर देंगे, गुणा किया तो कितना होगा, इन दोनों को गुणा करने पर 12 आया। अब इसको हमको उधर भेजना है, तो ये क्या चाहिए हमें, गुणा में है लेकिन उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, x बराबर उधर जाएगा तो 12 में -2 से भाग होगा तो 6 - 6, क्योंकि x का मान -6 आ रहा है। 3 नंबर बन गया। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर, 4 नंबर इसको इरेज, 2 नंबर को इरेज करके 4 नंबर हम लोग बना देते हैं, 2 नंबर को इरेज करते हैं, 2 नंबर इरेज करके हम 4 नंबर वाला बनाते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्या है, 7 - 3x = 18। अब इसको हम लोग बनाते हैं, जैसे अब इसको हम लोग को उधर भेजना है, हम 7 को उधर भेजेंगे तो क्या जाएगा, ये तो माइनस यहीं पर आ जाएगा, ये कितना है, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ गया। अब यहाँ इसको इसी तरह लिख देते हैं, इसको हटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 बच जाएगा, 11 बच गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमको 3 को उधर भेजना है, 3 गुणा में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ 11 - 3, इसका यही आंसर हो जाएगा, नहीं कटने वाला है। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, आइए अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, अब कैसे 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा,
फाइव नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11 40 माइनस 3x, फाइव नंबर क्वेश्चन उतर गया। अब इसको बनाते हैं, अब हम लोग को इसको अब उधर भेजना, इसको अब इधर भेजना है। तो यहाँ सबसे पहले इसको यहाँ मतलब 18 लिख दिए, इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो 40। उसके बाद यहाँ माइनस 3x बचा। अब इस हम लोग इस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये उल्टा हो रहा है। जैसे अब इधर को उधर भेज देते हैं, उधर को इधर भेज रहे थे, अब इधर भेज रहे हैं, उधर को इधर भेजेंगे तो वही होगा सेम प्रोसेस, लेकिन उल्टी दे दिए। तो हम इसको अब 40 वाले को इधर भेज दिए, उसके बाद हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 अब माइनस 3x। अब हमको 3 को इधर भेजना है, तो 3 किसमें है, 3 इंटू में है, गुणा में, 3 गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, यही x का मान हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूले। जय हिंद, जय भारत।